भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के YouTube चैनल में। आज आपको दिखाते हैं एक प्रचंड वशीकरण, जो कि आप घर पर किसी को भी, अगर आप स्त्री को, महिला को, किसी कुंवारी स्त्री को अगर अपने वश में करना चाहते हैं, अपने मन की बात पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज आपको बताते हैं एक प्रचंड वशीकरण जो कि बहुत ही तीव्र है, तुरंत कारगर है, तुरंत काम करता है। और जो भी स्त्री या महिला को आप अपने वश में करना चाहते हैं, वो आपके वश में होगी, आपके प्रेम में पागल हो जाएगी। जी हाँ, किसी को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करके देखिए, इससे आपको तुरंत लाभ होगा। आपकी अगर किसी स्त्री या किसी लड़की, जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है या कोई आपका रूठा हुआ प्यार है, उसे भी मनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको दो नींबू लेने हैं और एक लाल रंग का पेन लेना है। लाल रंग के पेन से आपको उस लड़की का नाम लिखना है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पर लड़की का नाम लिखती हूँ अभी, रेखा, तो आपको इस तरह से नींबू पर पेन की सहायता से लड़की का नाम लिख देना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। इसी तरह से आप भी उस लड़की का नाम लिख सकते हैं। दोनों नींबू पर आपको लड़की का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको इस नाम के ऊपर अपने सामने इसको रख लेना है। इस तरह से आसन बिछा लीजिए। आपको ये उपाय शनिवार या फिर मंगलवार के दिन करना है। जी हाँ, रात्रि को 10 से 12 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही जल्दी असर करता है। तुरंत आपके पास उस लड़की का फोन आएगा या फिर वो आपको अपने से मिलने के लिए बुलाएगी। दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो है सिंदूर। जी हाँ, तो आपको सिंदूर लगाना है नाम के ऊपर। नाम के ऊपर दोनों नींबुओं पर आपको सिंदूर लगा देना है इस तरह से, और इसे अपने सामने रख देना है। अब आपको मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र है, ध्यान से देखिए, ये मंत्र मैंने ये कागज पे लिखा हुआ है। यही मंत्र आपको अभिमंत्रित करना होगा नींबू के ऊपर। तो मंत्र है, योनि मंत्र शरीर या कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला कामाशी ध्यतमा सदा। इस मंत्र को अच्छे से लिख लीजिए, एकदम साफ अक्षरों में। इस मंत्र का आपको सही प्रकार से उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद नींबू के ऊपर फूकना है। नींबू के ऊपर फूकते जाइए। मंत्र को 108 बार आपको पढ़ना है। 108 बार जब आप मंत्र को इसके ऊपर पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इस नींबू को काटना है। जी हाँ, चाकू की मदद से आप नींबू को बीच में से ऐसे काट दीजिए। दोनों नींबुओं को आपको काटना है और उसके बाद नींबू आपको अपने सामने रखे रखे काट देना है। याद रखिएगा कि नींबू पूरा नहीं काटना है, अंत में ये इस तरह से जुड़ा होना चाहिए। अब सिंदूर आपको दोनों नींबुओं पर फिर से अंदर की तरफ भी लगा देना है। 108 बार आप मंत्र पढ़ चुके होंगे और नींबू पर आपने सिंदूर लगा दिया होगा। इस तरह से उन दोनों को बंद कर दीजिए। नींबू को बंद करना है, दोनों तरफ ये सिंदूर लग चुका होगा और ये नींबू आपको अपने हाथ में लेकर इसके ऊपर फूकना होगा। जी हाँ, ये नींबू है जिस पर हमने नाम लिखा था। 108 बार आपने इसके ऊपर मंत्र पढ़ा। अब आप सिर्फ एक बार मंत्र को और पढ़िए, इसे इस फूकिए, और ये नींबू आपको ले जाना है, चौराहे पर रख देना है। जी हाँ, चौराहे पर रात के 12 बजे आपको ये नींबू रख के आ जाना है। पीछे पलट कर नहीं देखना है। अगर आपको कोई बुलाए, आवाज दे, तब भी आप पीछे पलट कर ना देखें और नींबू को चौराहे पर ही छोड़ाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में वो स्त्री, वो महिला जिसका नाम आपने नींबू पर लिखा होगा, वो महिला आपको कॉल करेगी और आपके वश में आ जाएगी। जी हाँ, आप अपने पुराने प्यार को, रूठे हुए प्यार को इससे मना सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो आप इसका उपाय कीजिए, और ये उपाय बहुत सारे हमारे भक्तों ने आजमाया है, सबको इसका बहुत फायदा हुआ। उसके बाद हमने ये वीडियो बनाया है अपने भक्तों के लिए। तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए, और हमें, अगर आपको कोई सवाल है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। कोई और बात, कोई और समस्या आपकी हो, तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो भक्तों आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेंगी। धन्यवाद भक्तों।